हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानव। आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद जो आपका यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या मोनेटाइजेशन एनेबल करने के लिए मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या फिर नहीं, आसानी से आपका मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है, इसके लिए बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आप कंप्लीट हो गए, आपका पूरा प्रोसेस आपका रिव्यू में है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, कंप्लीट हो जाने के बाद आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपका चैनल रिव्यू में आ जाता है और आपको बताया जाता है कि 30 दिन में आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए आपको बहुत सारे फ्रेश कंटेंट बनाना पड़ता है, बिल्कुल सब कुछ फ्रेश करना पड़ता है, फिर से आपको आसानी से आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने थंबनेल पर बताया है कि मेरा 2 से 3 दिनों में मतलब रिव्यू के 2 से 3 दिनों में मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया है और मेरे पास मतलब मेल भी आ गया और वीडियो में एड भी शो कर रहा है। आपको यही बताऊँगा कैसे मेरा 2 से 3 दिन में रिव्यू कम्प्लीट हो गया और अप्रूव भी हो गया। आपको पहला एक स्टेप करना है, जो भी आप वीडियो बनाओगे आराम से वीडियो बनाइए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहिए और बिल्कुल भी फ्रेश कंटेंट रखिए, बिल्कुल फ्रेश, कोई भी कॉपी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश वीडियो बनाइए। और दूसरा पॉइंट है कि आपका कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना चाहिए यूट्यूब पर, बिल्कुल भी नहीं। और 3 है कि कम्युनिटी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हो, तो आपको कम्युनिटी की गाइडलाइन को बिल्कुल भी फॉलो करना है कि क्या बता रहा है उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ साथ। तो आपको ये 3 अगर सीधा सिंपल सा बात आप मतलब आराम से फॉलो करते हो तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद जब आप एडसेंस अकाउंट ओपन करोगे यूट्यूब चैनल के लिए, उसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साथ जो हुआ आपको बताता हूँ, आप अच्छी तरह से समझना। और आपको अगर होता है तो जो मैंने किया वैसा कर देना, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर पहले आप एडमोब अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर आपका बहुत सारे ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी में से आपका एडमोब अकाउंट है, तो आपको जब यूट्यूब के लिए जो आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बार बार मेल चला आएगा कि आपका पहले से ही मतलब एडमोब का या फिर एडसेंस का गूगल का अकाउंट है, ये पहले से मेल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका अकाउंट है उसको पहले डिलीट करना है। डिलीट अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा कि डिलीट आपको कैसे करना है। सिंपल डिलीट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं होगा, आप फिर से यूट्यूब पर आओ और पहले जैसा जब आप अप्लाई करते हो वैसी आपको अप्लाई कर रहे हैं, आपका बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपका 2 यूट्यूब चैनल है या फिर ब्लॉग वगैरह डालना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ कि 2 यूट्यूब चैनल एक मतलब एडसेंस के साथ लिंक बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम अगर एक यूट्यूब चैनल के साथ हो गया या फिर कोई भी वेबसाइट आप ऐड कर देते हो तो किसी एक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका जो भी एडसेंस के लिए मतलब जो भी यूट्यूब का कुछ ऐड है तो वो बिल्कुल भी उसका पूरा पेमेंट होल्ड हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपको आसानी से मोनेटाइजेशन ऑन करना है, एडसेंस का कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, आप सिंपल से एक एडसेंस अकाउंट बनाइए एक पर्सनल यूट्यूब के लिए। मैं सोच रहा हूँ एक भी मतलब एडसेंस अकाउंट बनाऊँ, लेकिन वो मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर है उसके नाम से बनाऊँगा, मेरे नाम से और एडसेंस अकाउंट नहीं बनाऊँगा। ये जो मेरा है यूट्यूब के साथ, उसके अलावा कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बनाऊँगा। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी फ्रेश कॉन्टेंट बनाना चाहिए। दूसरा, आपको कॉपीराइट कोई भी कंटेंट में मतलब ऐसा कुछ भी बनाए मत बनाइए कि कॉपीराइट का क्लेम लग जाए। कम्युनिटी गाइडलाइन का आपको फॉलो करना है। और 4, आपको कोई भी एडसेंस का लेवा कोई भी आपके नाम के आपके जीमेल आईडी से एडमो या फिर अकाउंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो डिलीट कर दीजिएगा। उसके हिसाब से आप डिलीट कर दोगे तो आप फिर से आप एडसेंस अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं बात है। रिव्यू अगर हम बात करें कि मेरा 2 से 3 दिन में कैसा हो गया, हो सकता है कि YouTube बहुत फास्ट काम कर रहा है कि 2-3 दिन में मेरा अप्रूव हो गया,
आपका कुछ और दिन लग सकता है, ऐसे करके होगा। लेकिन आप अगर फ्रेश कंटेंट बनाओगे, आप अच्छी तरह से बनाओगे, सब कुछ फ्रेश रहेगा, तो आपका भी मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा। इस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा था लाइक करना, और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना कोई भी अगर रिव्यू में है या फिर रिव्यू करना चाहते हैं आपका। और अगर आप करीब करीब आ गए हो, मतलब आपका 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का आज टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो आपको पहले से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस चैनल को सपोर्ट करना है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दबाना है, क्योंकि और भी बहुत सारे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू।